हाय एवरीवन, मैं हूँ स्वाति। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आप सब अच्छे होंगे, सब अपनी अपनी ध्यान खुद रख रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक साड़ी ट्रिपिंग की वीडियो। जैसे कि आपको थंबनेल देख के ऑलरेडी पता चल ही गया है, बहुत टाइम के बाद मैं एक साड़ी ट्रिपिंग वीडियो लेके आई हूँ। एंड आप चाहते हो तो आगे भी और साड़ी ट्रिपिंग की वीडियो में लेके आऊँ, तो बहुत सारा प्यार देना, इस वीडियो को लाइक करना। एंड अभी तक अगर मेरे चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ गए सब्सक्राइब कर दीजिए। बेसिकली जो टीसू साड़ी है, जो अरगांजा साड़ी है, एंड उसको अच्छे से कैसे ड्रेप करेंगे आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो अरगांजा साड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा फुला फुला सा रहता है, अच्छे से प्लीट्स नहीं बन पाते हैं एंड पहनने के बाद काफ़ी बल्कि दिखाई देने लगते हैं। तो बहुत लोग जो है इसके लिए स्किप कर देते हैं, ये साड़ी को वेयर नहीं करते। लेकिन प्रॉपर तरीका अगर पता है आपको तो डेफिनेटली कोई भी साड़ी हो आप उसको अच्छे से ड्रेप कर सकते हो। तो आज की वीडियो में वही अरगांजा साड़ी को या फिर टीसू साड़ी को, सिल्क साड़ी को कैसे आप अच्छे से ड्रेप कर सकते हो, जो जिनकी प्लीट्स अच्छे से नहीं बन पाती है, फुली फुली सी रहती है, उसको कैसे अच्छे से जो है आप प्लीट्स बना सकते हो आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी। तो आज मैं एक अरगांजा साड़ी जो है वेयर कर रही हूँ, जो कि मैंने मीशो से कुछ टाइम पहले मैंने ली थी। एंड उसकी लिंक अगर कोड मिले तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हो। तो जो अरगांजा साड़ी है, टिश्यू साड़ी है, तो कोशिश करिए काफ़ी ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो इसीलिए उनकी जो पेटीकोट उसके साथ आप पहनते हो वो सैटिन का होना चाहिए, सिल्क का होना चाहिए, तो उसका आप ध्यान रख सकते हो। एंड साड़ी नॉर्मल जैसे वेयर करते हैं वैसे वेयर करने के बाद मैं यहाँ पे सामने वाले प्लेट्स, जो कि हमारे शोल्डर प्लेट्स, बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। जब भी शोल्डर प्लेट्स बनाएं हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कभी छोटे छोटे प्लेट्स का बिल्कुल भी मत बनाइए। उसको सेट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल भी सेट नहीं हो पाती है छोटे छोटे प्लेट्स बनाए तो। और नॉर्मल आप 5 to 6 प्लेट्स तो बना ही सकते हो, अगर आप चाहो तो उससे कम प्लेट्स, मतलब 4 प्लेट्स भी बना सकते हो, वो डिपेंड करता है आप कितने प्लेट्स रखना पसंद करते हो। नॉर्मल साड़ी में 5-6 प्लेट्स अगर आप बनाते हो दैट इज़ एनफ, एंड उसको मैनेज करना काफ़ी ईजी रहता है। तो अच्छे से जो है आप इसमें पिंस लगा सकते हो, थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है आप उसको अरेंज करके पिन लगा सकते हो, या फिर पिन से सबसे ज़्यादा अच्छा है कि आप क्लॉथ पिन जो होता है हम सुखाने के लिए नॉर्मली यूज़ करते हो, वो भी उसकी भी यूज़ कर सकते हो। एंड इसको यूज़ करके अच्छे से प्लेट्स बन जाने के बाद आप उसको शोल्डर्स में डाल के जितने पल्ला वाला पार्ट आपको रखना है उतना रख के देन आप सेफ्टी पिन की हेल्प से उसको सिक्योर कर सकते हो। इस साड़ी में सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ जो होता है सामने वाले प्लेट्स बनाना। अगर मैं आपको जैसे प्लेट्स बनाने के लिए बोलती हूँ, अगर आप वैसे प्लेट्स बनाते हो तो आपको ये प्रॉब्लम्स कभी नहीं आएगी। मतलब कोई भी साड़ी हो, अरगांजा हो, टीसू साड़ी हो, आपकी कोई भी सिल्क साड़ी हो, कैसे भी सिल्क साड़ी हो, आप उसको अच्छे से जो है ड्रेप कर सकते हैं। तो आपको साड़ी को ऐसे सिंपली लेके आना है, एंड जो फैब्रिक बच जाता है आपको सबको पता है कि ये हमारी सामने वाले प्लीट्स बनाने के लिए है। नॉर्मल जैसे हम साड़ी को, साड़ी की प्लीट्स बनाते हैं वैसे नहीं बनानी है। इसमें बहुत ज़्यादा बल्कि लगेगी, बिल्कुल भी नीट लुक नहीं आएगी। तो मैं बताती हूँ क्या करना है। सिंपली आपको याद होगा जब हम लहंगे साड़ी को लहंगा स्टाइल में ड्रेप करते हैं, तब जैसे हम प्लीट्स बना के एक प्लीट्स बनाएंगे उसको पेटीकोट के अंदर टक करते हैं, फिर दूसरा प्लीट्स बनाते हैं फिर पेटीकोट के अंदर टक करते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे सेम प्रोसेस को जो है फॉलो करनी है। तो अगर आप ऐसे ही ड्रेप करोगे तो बिल बहुत ही नीट लुक आएगी। मतलब एक प्लीट्स आपको अच्छे से बनानी है, देन उसको जो पेटीकोट के अंदर टक करना है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर से बसता है उसको पेटीकोट के अंदर टक करना है। एंड इसमें आप एक ऐसे ही देखना है, फ्लोर लेंथ को टच करते हुए देखना है, एंड उसको ऐसे ही प्लेट्स बनाते जाने। जितने प्लेट्स बनेंगे उतना प्लेट्स आप बना सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा प्लेट्स नहीं बनते, नॉर्मल साड़ी में जितने प्लेट्स बनते हैं इसमें थोड़ा कम बनेंगे, क्योंकि ये अरगांजा साड़ी है फूली फूली बहुत रहती है, इसीलिए आप थोड़ा सा ब्रॉड प्लेट्स बनाएंगे। लेकिन जितने भी प्लेट्स बनेंगे बहुत एकदम सेट होके रहेंगे, एंड लुक देख सकते हो बहुत ज़्यादा नीट लुक आती है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग लुक आएगा ट्रिप करने के। मुझे भी अरगांजा साड़ी पहले ड्रेप करना नहीं आता था क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्कि लग रहा था, हमेशा नीट लुक नहीं आ पाता था। तो मैं अपनी गलती से सीखी हूँ। जब मैं पहनती थी मुझे लग रहा था कि यहाँ से बल्कि लग रहा है, यहाँ से ऐसे दिख रहा है, प्लेट्स बहुत अनमैनेजेबल लग रहे, बहुत बिल्कुल भी नीट लुक नहीं आता था। तो मैं अपनी गलती से सीखी हूँ एंड रेक्टिफाई करा है मैंने अपनी गलती को। हाँ, इसको ऐसे ड्रेप करूँगी तो ये सही, ऐसे सही आएगा। तो ऐसे करते करते मैं
पास साड़ी जितना भी हो, ऐसे नहीं कहूँगी साड़ी रेपिंग में एकदम एक्सपर्ट हूँ, पर थोड़ा बहुत जो है मुझे भी साड़ी रेपिंग करना आता है। जो मुझे आती है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, एंड आई होप कि आपको भी मेरी जो भी हैक आपको बताती हूँ वो आपको अच्छी लग रही होगी। एंड आप खुद यहाँ पे देख सकते हो मेरी प्लीट्स बहुत अच्छे से जो है यहाँ पे बैठा हुआ है। एंड रिसेंटली अपनी हमारे घर पे एक शादी थी जिस दिन मैंने ये साड़ी भी एक दिन वेयर करा था, एंड मेरी प्लीट्स सुबह से शाम तक वैसी थी एंड काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था लुक। तो मैंने सोचा कि डेफिनेटली आपके साथ में शेयर करती हूँ। अगर आपको इस टाइप की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपके लिए भी एक वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर अभी तक आपने नहीं करा है तो। प्लीज़ मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे, एंड बहुत जल्दी लेके आऊँगी मैं नए वीडियो, नए साइड ट्रिपिंग की वीडियो। तो बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, बाय।